नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वच्छ रहिए, वातावरण को स्वच्छ रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्व कक्षा में हमने तत्पुरुष समास के द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास और पंचमी तत्पुरुष समास का अध्ययन किया था। आज हम षष्ठी तत्पुरुष समास को पढ़ने जा रहे हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास, जहां समास का प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति में होता है वहां षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। यथा समस्त पद, वही बात, सुवर्ण का षष्ठी विभक्ति करने पर रूप बनेगा सुवर्ण से। जैसे रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य। सिर्फ एक वचन बोला हमने, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, ठीक है। फिर रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, एवमेव ये बने हैं। सुवर्णस्य, सुवर्णस्य में विभक्ति सुवर्ण, सुवर्णस्य पात्रम, ठीक है। तो सुवर्ण में से षष्ठी विभक्ति का जब लोप किया तो रूप बना सुवर्ण पात्रम। रजतस्य पात्रम, रजत का पात्र अर्थात रजत पात्रम। राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राज्ञ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, षष्ठी विभक्ति एकवचन, तो हमने राज्ञ है का लोप, सॉरी षष्ठी विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया और रूप बना राज पदम, राजपुरुषः। देव पूजकः, देवस्य पूजकः, वही षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप बना देवस्य पूजकः, तो रूप बनेगा देव पूजकः। एवमेव देशस्य भक्तः, देश का भक्त अर्थात देश भक्तः। राज्ञः सेवकः, राजा का सेवक अर्थात राज सेवकः। गृहस्य चौरः, घर का चोर अर्थात गृह चौरः। विद्यायाः आलयः, विद्या का मंदिर अर्थात विद्यालय। अवगंतम वा? एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद में आप बोलेंगे। सुवर्णस्य पात्रम, सुवर्ण पात्रम, समस्त पद आप बोलिए। रजतस्य पात्रम, रजत पात्रम। राज्ञः पुरुषः, राज पुरुषः। देवस्य पूजकः, देव पूजकः। देशस्य भक्तः, देश भक्तः। राज्ञः सेवकः, राज सेवकः। गृहस्य चौरः, गृह चोरः। विद्यायाः आलयः, विद्यालयः। समस्त पद हम बोलेंगे, विग्रह पद आप बोलेंगे। सुवर्ण पात्रम, सुवर्णस्य पात्रम। रजत पात्रम, रजतस्य पात्रम। राजपुरुषः, राज्ञ पुरुषः। देव पूजकः, देवस्य पूजकः। देश भक्तः, देशस्य भक्तः। राजसेवकः, राज्ञः सेवकः। गृह चौरः, गृहस्य चौरः। विद्यालयः, विद्यायाः आलयः। षष्ठी तत्पुरुष समास, जहां समास का प्रथम पद सप्तमी विभक्ति में हो तथा वहां सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास होगा। फिर बता देते हैं, यहाँ पे पूर्व पद प्रधान, सॉरी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है ना। षष्ठी तत्पुरुष समास, समस्त पद, पात्र जलम, पात्रे जलम, पात्र में जलम, पात्र में जलम, पात्रे जलम, पात्र में जलम, पात्र में सप्तमी विभक्ति एक वचन करने पर रूप बनेगा पात्रे, पात्रे जलम। अक्ष में सप्तमी विभक्ति बहुवचन करने पर बनेगा अक्षेषु। सभायाम, सप्तमी विभक्ति एक वचन करने पर रूप बनेगा सभायाम। कविषु, कवियों में, कवि सप्तमी बहुवचन करने पर बना कविषु। तो पात्र में सप्तमी विभक्ति करने पर पात्री बना, तो रूप बनेगा, समस्त पद बनेगा पात्र जलम।
अक्षेषु अक्ष में सप्तमी विभक्ति बहुवचन करने पर बना अक्षेषु, तो रूप बनेगा अक्षषंड। सभायां पंडितः, सभा में सप्तमी विभक्ति एकवचन करने पर बना सभायां, तो रूप बनेगा सभा पंडितः। कविषु श्रेष्ठः, कवि में सप्तमी विभक्ति बहुवचन करने पर बना कविषु श्रेष्ठः है, तो आपका जो समस्त पद है वो बनेगा कवि श्रेष्ठः, समस्त पद विग्रह। आतप शुष्कः, आतपे शुष्कः, आतप में सप्तमी विभक्ति करने पर रूप बना आतपे, तो आतपे शुष्कः। प्रेम में सप्तमी विभक्ति एक वचन करने पर रूप बना प्रेमणः। कटाह में सप्तमी विभक्ति एक वचन करने पर बना कटाहे। एवम एव कर्म में सप्तमी विभक्ति एक वचन करने पर बना कर्मणि। इसीलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति का लोप करने पर आतपे शुष्कः से बना आतप शुष्कः, प्रेमणा धूर्तः से बना प्रेम धूर्तः, कटाहे पकः से बना कटाह पकः, और कर्मणि कुशलः से बना कर्म कुशलः। ठीक है, एक बार विग्रह पद हम बोलेंगे, समस्त पद आप बोलेंगे, तत्पश्चात समस्त पद हम बोलेंगे और विग्रह पद आप बोलेंगे। पात्रे जलम, पात्र जलम। अक्षेषु शौंडः, अक्षशौंडः। सभायां पंडितः, सभा पंडितः। कविषु श्रेष्ठः, कवि श्रेष्ठः। आतपे शुष्कः, आतप शुष्कः। प्रेमणा धूर्तः, प्रेम धूर्तः। कटाहे पकः, कटाह पकः। कर्मणि कुशलः, कर्म कुशलः। समस्त पद बोलेंगे, विग्रह पद आप बोलेंगे। पात्र जलम, पात्रे जलम। अक्षशोंडः, अक्षेषु शोंडः। सभा पंडितः, सभायां पंडितः। कवि श्रेष्ठः, कविषु श्रेष्ठः। आतप शुष्कः, आतपे शुष्कः। प्रेम धूर्तः, प्रेमणा धूर्तः। कटाह पकः, कटाहे पकः। कर्म कुशलः, कर्मणि कुशलः। कर्मधारय समास। तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारयः, यानी हमने दो रूप पढ़े थे तत्पुरुष के, अब व्यधिकरण, व्यधिकरण हम पूरा कर चुके जिसमें द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर हमने तत्पुरुष का दूसरा भेद पढ़ा था समानाधिकरण, समानाधिकरण जिसमें समान विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है, और समानाधिकरण में कौन कौन से समास आ जाते हैं? कर्मधारी समास और द्विगु समास। तो चलिए पढ़िए। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, अर्थात जिसमें दोनों पदों में जब एक ही विभक्ति रहती है तब उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होते हैं। दोनों पदों में जब एक ही विभक्ति हो, दोनों पदों में एक ही विभक्ति हो, देखिए एक बार समझाने के लिए ऊपर चलते हैं। पात्रे में सप्तमी विभक्ति, जलम में द्वितीय विभक्ति, अक्षेषु में सप्तमी विभक्ति, शोंडः में प्रथम विभक्ति, सभायां में सप्तमी विभक्ति, पंडित में प्रथम विभक्ति। ठीक है, ये हुआ, मतलब पूर्व जो आपका प्रथम पद था उसमें अलग विभक्ति थी, उत्तर पद था उसमें अलग विभक्ति थी। ये था आपका व्यधिकरण, जिसमें प्रथम पद और उत्तर पद, दूसरा पद, पहला पद और दूसरे पद में अलग अलग विभक्तियां हो वो व्यधिकरण, और जिसमें प्रथम पद और उत्तर पद या पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्तियां हो, पहला अक्षर, पहला शब्द और दूसरा शब्द, पहला पद और दूसरा पद दोनों में, पहला पद और दूसरा पद दोनों में समान विभक्तियां हो, वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है, जैसे कर्मधारय समास। क्लियर? और जिनमें प्रथम पद में और द्वितीय पद में या प्रथम पद में और दूसरे पद में अलग अलग विभक्तियां हो वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। चले आइए, अर्थात जिसमें दोनों पदों में एक ही विभक्ति हो तब उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, देखिए पहले विग्रह पद पढ़ेंगे। पीतम अंबरम, दोनों में समान विभक्ति है। लंबरम, लंबम उदरम, दोनों में समान विभक्ति है। महान पुरुष है, दोनों में प्रथमा है। वीरहा पुरुषहा, दोनों में समान है। प्रियहा वक्ताहा, दोनों में समान है। श्वेताहा दंताहा, दोनों में समान है।
श्वेतम पुष्पम दोनों में समान है, नीलम अंबरम दोनों पदों में समान है, हरिताह वृक्षाह दोनों में समान है, मधुरम मिष्ठानम दोनों में समान है, श्रांताह पतिकः दोनों में समान है, कृष्णः सर्पः दोनों समान है, पीतम अंबरम दोनों में द्वितीय एक वचन, लंबरम उदरम द्वितीय एक वचन, महान पुरुष है प्रथम एक पुरुष प्रथम एक, वीराह पुरुष प्रथमा बहुवचन, प्रियः भक्तः प्रथमा बहुवचन, श्वेताः दन्ताः प्रथमा बहुवचन, श्वेतं पुष्पं प्रथम एक वचन, नीलम अंबरं प्रथम एक वचन, हरिताः वृक्षाः प्रथम बहुवचन, दोनों में मधुरम इष्टानं प्रथमा एक वचन, श्रांतः पतिकः प्रथमा एक वचन, कृष्णः सर्पः प्रथमा एक वचन, दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति समान वचन का प्रयोग हो रहा है। क्लियर? अब देखो इधर, अंबर पीला, अंबर यानी वस्त्र होते हैं और पीतम यानी पीला, वस्त्र की विशेषता क्या है वो कैसा है, पीला है, तो वस्त्र कौन है विशिष्य और विशेषता क्या है उसकी पीला होना, तो विशेषण विशेष्य का प्रयोग होगा। लंबा उदर, लंबा है उदर जिसका, लंबे उदर वाले, लंबे उदर वाले, तो लंबर में लंबम में गुण है और उदर विशेष्य है, लंबम गुण विशेषण है और उदरम विशेष्य है। महान पुरुष है, पुरुष विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है वो महान है अर्थात ही विशेषण है। पुरुषाः, पुरुष कैसे, पुरुष क्या है विशेष्य है और उनकी वीरता क्या है उनका गुण है अर्थात विशेषण है। भक्ताः, भक्त क्या है विशेष्य है और उनकी विशेषता क्या है वो बड़े प्रिय होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। दंत, दांत क्या है विशेष्य है, दांत कैसे होते हैं श्वेत होते हैं तो उनका विशेषण है, श्वेत विशेषण है और दंत विशेष्य है, श्वेताः दंताः विशेषण विशेष। इधर आ जाइए, पुष्प विशेष्य है और पुष्प की विशेषता क्या है वो सफेद है तो श्वेत विशेषण है और पुष्प विशेष्य है। नीला अंबर, नीला है अंबर, नीला क्या है गुण और अंबर क्या है विशेष। हरिताः वृक्ष, हरे हरा गुण है विशेषण है और वृक्ष क्या है विशेष्य है। मधुर मीठा है, मीठी कैसी है मिठाई तो मिठाई विशेष्य है और मधुर विशेषण है। श्रांतः पथिकः, पथिक जो है वो थका हुआ है ठीक है, पथिक जो चलने वाला है और श्रांत यानी थका हुआ, पथिक जो चलने वाला है यानी विशेष्य और उसकी विशेषता क्या है वो थक चुका है। क्षम्यताम, सर्प विशेष्य है और सर्प कैसा है कृष्ण है काला है ये उसकी विशेषता है ठीक है। तो पूर्व पद कैसे हैं विशेषण और दूसरा पद कैसा है विशेष। श्वेत नीला हरा मीठा थका हुआ काला ये सारे विशेषण हैं। पुष्प अंबर वृक्ष मिष्ठान पथिक और सर्प ये सारे विशेष हैं। समझ में आया? पूर्व पद क्या है विशेषण, उत्तर पद क्या है विशेष। विशेषण को हम दूसरा अर्थ बोल सकते हैं गुण, उसके जो गुण है उसके ठीक है। विग्रह पद ऐसे बनेंगे, समान पद सॉरी समान विभक्तियों का प्रयोग होगा दोनों पदों में, चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो दोनों में समान विभक्तियों का प्रयोग होगा ठीक है। और जब समस्त पद करेंगे तो पूर्व पद के जो भी विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाएगा। समस्त पद जब करेंगे तो पूर्व पद की जो विभक्तियां होंगी उनका लोप हो जाएगा ठीक है। तो आप अभी कर्मधारी समास को कैसे पहचानेंगे, पूर्व पद क्या है गुण है, पीला है लंबा है महान है वीर है प्रिय है श्वेत है ये गुण है। कौन पीला है वस्त्र पीले हैं, क्या लंबा है उदर लंबा है, महान कौन है पुरुष है, वीर कौन है पुरुष है, प्रिय कौन है भक्त है, श्वेत क्या है दांत, तो ये विशेष्य है। उत्तर पद विशेष्य है, पूर्व पद विशेषण है ठीक है। दोनों में समान विभक्तियों का प्रयोग होगा
और जो पूर्व पद की विभक्ति होगी उनका लोप करके समस्त पद बना देंगे। क्लियर हो गया। पितरम पितमंबरम पिताम्बरः, लंबम उदरम लंबोदरम, महान पुरुषः महापुरुषः, वीरः पुरुषः वीरः पुरुषः, प्रिया भक्ताः प्रिय भक्ताः, श्वेताः दन्ताः श्वेत दन्ताः, श्वेतं पुष्पं श्वेत पुष्पं, नीलम अंबरं नीलांबरः, हरितः वृक्षः हरित वृक्षः, मधुरम मिष्ठानं मधुर मिष्ठानं, श्रान्तः पतितः श्रान्त पतितः, कृष्णः सर्पः कृष्ण सर्पः, पीताम्बरः पीतमम्बरम्, लंबोदरम् लंबमुदरम्, महापुरुषः महान पुरुषः, वीरः पुरुषः वीरः पुरुषः, प्रियभक्तः प्रियः, वीर पुरुषः बनेगा इसका, वीर पुरुषः, ठीक है ना, वीरः पुरुषः नहीं वीर पुरुषः, वीर पुरुषः वीरः पुरुषः, प्रियभक्तः प्रियः भक्तः, श्वेत दन्तः श्वेतः दन्तः, श्वेत पुष्पं श्वेतं पुष्पं, नीलांबरः नीलमंबरम्, हरित वृक्षः हरितः वृक्षः, मधुर मिष्ठानं मधुरं मिष्ठानं, श्रांत पतिकः श्रांतः पतिकः, कृष्ण सर्पः कृष्णः सर्पः। नेक्स्ट द्विगु समास। द्विगु समास में हमने बताया था गिनतियां होती हैं, ठीक है ना, संख्या पूर्वो द्विगु, जब कर्मधारी समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो दूसरा शब्द संज्ञा हो समूह अर्थ को प्रकट करता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जब कर्मधारी समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो और समूह अर्थ को प्रकट करता हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण, पहले हम उदाहरण को समझते हैं। समस्त पद में देख लो, पंच क्या है गिनती, त्रि संख्यावाची है ना, त्रि संख्यावाची, शताब्दी शत सो गिनती, पंच संख्या है, चतुर संख्या है, द्वे संख्या है, दश संख्या है, पंच संख्या है, सप संख्या है। यानी जो प्रथम पद है वो कैसा आ रहा है, संख्यावाची, कैसा संख्यावाची। अब आइए विग्रह पे, पंचानाम संख्या, त्रियाणाम संख्यावाची, त्रया संख्यावाची, षट संख्यावाची, पंच संख्यावाची, चतुर संख्यावाची, द्वया संख्यावाची, दश संख्यावाची, पंच संख्यावाची, सप्त संख्यावाची, ठीक है। फिर देखिए दूसरा पद कैसा हो, संज्ञावाचक, ग्राम क्या है संज्ञा, भुवन संख्या, लोक संख्या, अब्द संख्या, संज्ञा मूल संज्ञा, युग संज्ञा, मात्र संज्ञा, अब्द संज्ञा, वट संज्ञा, ऋषि संज्ञा, संज्ञा शब्द है ना ये, पंच त्रय त्रय शत पंच चतुर द्वया दश पंच और सप्त, ये सारे क्या है संख्यावाची। फिर जो दूसरा पद है वो संज्ञावाचक होना चाहिए, ग्राम क्या है संज्ञावाचक, भुवन संज्ञावाचक, लोक संज्ञावाचक, अब्द संज्ञावाचक, मूल संज्ञावाचक, युग संज्ञावाचक, मात्र संज्ञावाचक, अब्द संज्ञावाचक, वट संज्ञावाचक और ऋषि संज्ञावाचक। फिर बोला समूह अर्थ को प्रकट करेगा, इसीलिए सभी के अंत में किनका प्रयोग करेंगे, समाहार समाहार है समाहार है समाहार है समाहार है। प्रथम पद संख्यावाची, द्वितीय पद संज्ञावाचक और किसका द्योतक, समूह अर्थ को प्रकट करता, कोई कंफ्यूजन नहीं। विग्रह में पंचानाम क्या है संख्यावाची, ग्रामाणाम संज्ञावाची और समाहारः समूह को प्रकट करती है। तो पंचानाम ग्रामाणाम समाहारः बराबर पंचग्रामम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः बराबर त्रिभुवनम, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः बराबर त्रिलोकी, शतानाम अब्दानाम समाहारः बराबर शताब्दी, पंचानाम मूलानाम समाहारः बराबर
अंजुनी। चतुर्णाम युगानाम समाहारा बराबर चतुर्युग। द्वयोः मात्रोः अपत्यं पुमान बराबर द्वयी मातर मातुर। दशानाम अब्दानाम समाहारः बराबर दशाब्दि। पञ्चानां वटानां समाहारः बराबर पञ्चवटी। सप्तानां ऋषीणां समाहारः बराबर सप्तर्षि। अब समस्तपद बोलेंगे, विग्रह पद कीजिए। पञ्चग्रामां पञ्चानां ग्रामाणां समाहारः। त्रिभुवनां त्रयाणां भुवनानां समाहारः। त्रिलोकी त्रयाणां लोकानां समाहारः। शताब्दी शतानां अब्दानां समाहारः। पंचमूली पंचानां मूलानां समाहारः। चतुर्युगम चतुर्णां युगानां समाहारः। द्वयी मातुरः द्वयोः मात्रौ अपत्यं पुमानः। दशाब्दी दशानां अब्दानां समाहारः। पंचवटी पंचानां वटानां समाहारः। सप्तर्षिः सप्तानां ऋषीणां समाहारः। अग्रे द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में द्वंद्व समास में दो को दोनों समान अर्थ अपना मायने रखते हैं। जैसे देखो, इसमें तो हमने कहा कि पूर्व पद कैसा होना चाहिए, गिनती होना चाहिए। अव्ययभाव में भी कहा हमने गिनतियाँ होनी चाहिए। तत्पुरुष समास में हमने कहा कि जो आपका प्रथम पद है वो विभक्तियों से युक्त होना चाहिए, प्रथमा द्वितीय तृतीया। कर्मधारी में हमने कहा कि आपका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होना चाहिए, है ना। द्वंद्व समास में कहते हैं च अर्थे द्वंद्वः, अर्थात प्रयोग उभयः पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। प्रयोग उभयः पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, जिस समास में दोनों पद का अर्थ प्रधान रहता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास का विग्रह करते समय शब्द के साथ च का प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रयोग उभयः प्रधानो द्वंद्वः, जिस समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान रहता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास का विग्रह करते समय शब्द के साथ च का प्रयोग करेंगे। देखिए, राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है। राम भी प्रधान है और लक्ष्मण भी प्रधान है। राम भी प्रधान है और लक्ष्मण भी प्रधान है। कृष्ण भी प्रधान है और बलराम भी प्रधान है। अर्थ भी प्रधान है और धर्म भी प्रधान है। माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। भ्राता भी प्रधान है और स्वसा भी प्रधान है। और अब प्रत्येक प्रधान शब्द के साथ, मतलब प्रत्येक जो आपके पूर्व पद है चाहे उत्तर पद है, दोनों के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं आप? चय का। दोनों के साथ चय का। रामः च लक्ष्मणः च, रामः च लक्ष्मणः च, कृष्णः च बलरामः च, अर्थः च धर्मः च, माता च पिता च, भ्राता च स्वसा च। जिस समास के दोनों पदों का अर्थ प्रदान हो, राम का भी अर्थ प्रदान है, लक्ष्मण का भी अर्थ प्रदान है, ठीक है। और विग्रह करते समय शब्द के साथ चय का प्रयोग भी किया है। राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है, और विग्रह करते समय चय का प्रयोग भी दोनों के साथ किया है। देखिए, रामश्च लक्ष्मणश्च बराबर राम लक्ष्मणौ, कृष्णश्च बलरामश्च बराबर कृष्ण बलरामौ, धर्मश्च अर्थश्च बराबर धर्म अर्थौ, माता च पिता च बराबर पितरौ, भ्राता च स्वसा च बराबर भ्रातृौ, राम कृष्णौ रामश्च कृष्णश्च, रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च बराबर राम भरत लक्ष्मणाः, माता च पिता च बराबर माता पितरौ, पुत्रश्च पुत्रीश्च बराबर पुत्रौ, सुखम च दुखम च बराबर सुख दुखम, रामश्च लक्ष्मणश्च बराबर राम लक्ष्मणौ, कृष्णश्च बलरामश्च बराबर कृष्ण बलरामौ, अर्थश्च धर्मश्च बराबर अर्थधर्मौ, माता च पिता च बराबर पितरौ,
भ्राताचे स्वसाचे बराबर भ्रातृव। रामश्च कृष्णश्च बराबर रामकृष्णं। रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च बराबर राम भरत लक्ष्मणाः। माता च पिता च बराबर माता पितरौ। पुत्रः च पुत्री च बराबर पुत्रौ। सुख दुखम बराबर सुखम च दुखम च। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। दोनों पद प्रधान होंगे, पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा, तथा विग्रह करते समय पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के साथ चय का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से बोल लेते हैं, समस्त पद हम बोलेंगे और विग्रह पद आप बोलेंगे। राम लक्ष्मणाउ रामश्च लक्ष्मणश्च। कृष्ण बलरामाउ कृष्णश्च बलरामश्च। अर्थ धर्माउ अर्थश्च धर्मश्च। पितरौ माता च पिता च। भ्रातृव भ्राता च स्वसा च। राम कृष्णौ रामश्च कृष्णश्च। राम भरत लक्ष्मणाः रामश्च भरत च लक्ष्मणश्च। माता पितरौ माता च पिता च। पुत्रौ पुत्रः च पुत्री च। सुख दुखम सुखम च दुखम च। अंतिम पढ़ेंगे हम बहुव्रीही समास। ठीक है, बहुव्रीही समास। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीही, अर्थात जहाँ अन्य ही पद का अर्थ प्रधान होता है वहाँ बहुव्रीही समास होता है। जहाँ ना उत्तर पद प्रधान ना ही पूर्व पद प्रधान, अपितु कोई अन्य ही पद का अर्थ प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीही समास होता है। जिस समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता हो उसे बहुव्रीही समास कहते हैं। बहुव्रीही समास में जहाँ जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि के द्वारा अर्थ निकाला जाता है। पीतम अंबरम यस्य सह, पीले वस्त्र जिसने धारण कर रखे हैं वह भगवान श्री कृष्ण है, तो बनेगा पीतांबर है। देखो अंत में आएगा जहाँ, जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें। न पीले का अर्थ है न अंबर का अर्थ है, अर्थ तो कोई दूसरा ही निकल रहा है, वो है कृष्ण। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं कर्मधारय में भी, क्योंकि कर्मधारय में भी पीतम अंबरम आया था लेकिन उसमें विग्रह करते समय यस्य सह नहीं आया था। ठीक है, पीतम अंबरम यस्य सह श्री कृष्ण। लंबम उदरम यस्य सह गणेश है। चक्रम पाणम यस्य सह विष्णु। दश आननानि यस्य सह रावण है। नीलम अंबरम यस्य सह बलराम है। नीलम कंठम यस्य सह शिव है। ठीक है, पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबर है। लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरम। चक्रम पाणम यस्य सह चक्रपाणी ही। दश आननानि यस्य सह दशाननः। नीलम अंबरम यस्य सह नीलः कंठः यस्य सह नीलकंठः। क्लियर हो गया? विशेषण विशेष्य तो हमने अव्यभाव समास में भी पढ़ा, किंतु वहां विग्रह करते समय यस्य सह या जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें इत्यादि अर्थ निकलकर बाहर नहीं आते हैं। समस्त पद हम पढ़ेंगे, विग्रह पद आप करेंगे। पीताम्बरः पीतम अंबरम यस्य सह। लंबोदरः लंबम उदरम यस्य सह। चक्रपाणी ही चक्रम पाणौ यस्य सह। दशाननः दश आननानि यस्य सह। नीलाम्बरः नीलम अंबरम यस्य सह। नीलकंठः नीलः कंठः यस्य सह भगवान शिव। पीतांबर श्री कृष्ण का द्योतक है, पीले वस्त्र वही धारण करते हैं। गणेशः लंबा उदर उनका है। चक्रपाणी हाथ में चक्र विष्णु जी धारण करते हैं। दशाननः दस आनन किनके हैं, भगवान रावण के हैं सॉरी। नील अंबर है नीला अंबर जिनका है बलराम जी का है। नीलकंठ है नीलकंठ जिनके हैं वो भगवान शंकर। ठीक है, आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। अग्रिम कक्षा में हम अभ्यास प्रश्न के साथ और इन सभी का एक बार रिवीजन के साथ मिलते हैं। ठीक है, आज की कक्षा यही समाप्त।